ऑल राइट, जिस टॉपिक पर आप बोलते हो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो चैनल पर मिल जाती है। अब आपका काम तो हमने कर दिया, हमारा काम आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हमने अपनी 1 लाख की फैमिली पूरी करनी है, वो आप सबकी हेल्प से पूरी होगी। आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का हॉट 35G एंड इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 एंड XOS 13 देखने को मिला। इस फोन को मैं पिछले 15 दिनों से यूज कर रहा हूँ, अच्छे से मैंने फोन की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली और इस फोन में मुझे काफी सारे हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिले, जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट, कलर करेक्शन का फीचर, पर्सनलाइजेशन का फीचर, इन्फिनिक्स डायलर और भी वगैरह काफी सारे हिडन फीचर मुझे इस फोन में देखने को मिले। तो आज किस वीडियो में आपको इन्फिनिक्स हॉट 35G के 50 प्लस हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनको यूज करके आपका जो स्मार्टफोन यूज करने का एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें तो इस फोन में आपको कीबोर्ड माउस का सपोर्ट भी मिलता है। OTG कनेक्शन से आप लोगों ने कीबोर्ड या माउस को अपने फोन से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली OTG कनेक्शन को ऑन करना है, उसके बाद मैं अपने पूरे फोन को अपने माउस से कंट्रोल कर रहा हूं और साथ में जो भी आपने कंट्रोल कमांड दोगे वो सभी अच्छे से काम करती हैं, यानी कि इस फोन में कीबोर्ड माउस भी सपोर्टेड है। अगले फीचर की बात करें तो वो आपको मिलेगा वॉलपेपर सेक्शन में। नॉर्मली IPS डिस्प्ले के जितने भी फोन होते हैं उनमें आपको बहुत ही कम लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फोन में आप लोगों को लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और वो रहा मैजिक टच। इसको आप लोग जैसे भी टच करोगे वहां पर आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कलर इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आप लोग इसको अपनी होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन दोनों के ऊपर सेट कर सकते हो एंड सेट करने के बाद जहां से भी आप लोग अपनी स्क्रीन को टच करोगे वहां पर आप लोगों को कलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको जितनी भी आइकन पैक्स, वॉलपेपर, स्टाइल सिस्टम, UI देखने को मिलता है उन सबको आप लोग चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए आपको एक थीम ऐप देखने को मिलेगी जिसका नाम रहा एक्स ऐप। यहां पर आप लोगों को काफी सारी थीम्स, काफी सारे वॉलपेपर, काफी सारे आइकन पैक्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप लोग अपने हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हो। यहां तक कि आप लोग फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर पाओगे, लेकिन मटेरियल आइकन पैक जो एंड्रॉइड 13 का मेजर फीचर है वो इस फोन में आपको नहीं मिलता। फोन में अगर आपने ऐप ड्रॉअर को चेंज करना है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, आपने स्टैंडर्ड मोड रखना है तो उसके लिए आपको सिंपली अपने स्क्रीन को पिंच करना है, सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक करो, अपीयरेंस का सेक्शन मिलेगा। यहां पर आप लोग अपने पूरी होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो एंड जैसे ही आप लोगों ने यहां पर डायरेक्शन चेंज करनी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो आप लोग कर सकते हो। साथ में आप लोग अपने आइकन पैक का साइज भी चेंज कर सकते हो और भी यहां पर काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों ने ऐप हाइड की होगी वो भी आप लोग यहां से चेकआउट कर पाओगे। बाकी आपने भी इस फोन में मेरी तरह जितने मैंने विजर्ड लगा के रखे हैं, क्लीनर का विजर्ड, क्लॉक का विजर्ड, ये सब लगाने हैं तो इसके लिए सिंपली स्क्रीन को पिंच करो, विजर्ड सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर आप लोगों को काफी सारे ऐप्स के विजर्ड तो प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने यहां पर 3D विजर्ड लगाने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करो, यहां पर आप लोगों को A to Z जितने भी नए विजर्ड्स हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। इनको यूज करके आपका जो यूजिंग एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा और लगाने के बाद ये विजर्ड कुछ इस तरीके के लगते हैं। इस फोन के वॉलपेपर को अगर आपने चेंज करना है, फोन स्टाइल को चेंज करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लगाना है और भी काफी सारे एज लाइटिंग के फीचर को लगाना है तो इसके लिए आपको अलग से सेक्शन मिलेगा सेटिंग्स के अंदर जिसका नाम रहा पर्सनलाइजेशन। यहां से आप लोग अपने थीम को चेंज कर सकते हो, नई थीम लगा सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, पूरी आपकी जो डेस्कटॉप है होम स्क्रीन उसको चेंज कर सकते हो, फोन स्टाइल चेंज कर सकते हो, वीडियो यहां पर अगर आप लोग लगाना चाहें वो लगा सकते हो, लॉक स्क्रीन मैगजीन को आप लोग यहां से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि इस सेक्शन से आप लोग अपने पूरे फोन के जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। इस फोन के अगले हिडन फीचर की बात करें और भाई ये हिडन फीचर अगर आप लोग 1 लाख वाला फोन भी ले लोगे तो उस फोन में भी आपको देखने को नहीं मिलता। इसके लिए सिंपली आप लोगों ने अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है, टॉर्च के ऊपर आप लोगों ने होल्ड एंड टैप करके रखना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया। यहां पर आप लोगों को बैक लाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों की जो टॉर्च है वो बैक लाइट वाली ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग फिर से इसके ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों की फ्रंट टॉर्च यहां पर ओपन हो जाएगी, यानी कि इस फोन में आप लोगों को फ्रंट में भी फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अगर इतने से भी आपका काम नहीं चलता तो भाई फिर से आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, 360 फ्लैश लाइट ओपन कर दो, बैक भी चलेगी, फ्रंट भी चलेगी। तो ये फीचर भाई आप लोगों को 1.5 लाख वाले फोन में भी, तो भाई ये फीचर आप लोगों को 1.5 लाख वाले फोन में भी देखने को नहीं मिलता जो 10,000 वाले इन्फिनिक्स हॉट 35G में आपको देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग देख रहे होंगे कि मैंने कैमरा के अराउंड एक रिंग लाइट का इफेक्ट एनेबल किया है, ये कैसे किया है? अगर आपने भी इसको अपने फोन में करना है तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा,
इस ऐप का नाम आपको देखने को मिलता है रिंग रिंग। सिंपली आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद सभी परमिशन सेट करो अच्छे से, यहाँ पर इसको आपने सेट करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके की जो आपकी रिंग लाइट है आपके कैमरा के अराउंड फ्रंट में वो देखने को मिल जाएगी, जो देखने में अच्छी भी लगती है, बैटरी को भी ये इंडिकेट करती है। इस फोन में आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसको एनेबल करने के लिए आपने सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है, मोर कनेक्शन के ऊपर क्लिक करो, सेकंड नंबर के ऊपर आपको NFC मिलेगा, सिंपली आप लोगों ने इसको ऑन करना है। अब आप लोग NFC से अपनी पेमेंट कर सकते हो, सिंपली टैप करो और आपकी पेमेंट हो गई। इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 60 हर्ट्ज का एंड 90 हर्ट्ज का। लेकिन अगर आप लोगों ने 90 हर्ट्ज का सेट करना है या 60 हर्ट्ज का सेट करना है जिससे कि आपकी ज्यादा बैटरी कंजप्ट ना हो, तो सेटिंग ओपन करो, डिस्टेंस ब्राइटनेस का सेक्शन ओपन करो, यहां पर आप लोगों को स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज सब कुछ सेट कर सकते हो। अगर आउटो करना है तो आप लोग आउटो भी कर सकते हो। बाकी अगर आपने अपने फोन में डार्क मोड यूज करना, डार्क मोड का फीचर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कलर करेक्शन के जो फीचर हैं वो भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाएंगे कलर टेम्पलेट के नाम से। सिंपली आप लोग यहां पर अपने जो स्क्रीन के कलर्स हैं उनको वार्म कर सकते हो, कूल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। बाकी और भी यहां पर काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन के, जिनको यूज आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। इस फोन में सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए सिंपली सेटिंग ओपन करो, सिक्योरिटी का सेक्शन ओपन करोगे तो नॉर्मल सभी फोन में आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में ये तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐप लॉक, टैप लॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। टैप लॉक के फीचर को एनेबल करने के बाद अगर आप लोग अपने फोन को चार्जिंग केबल लगा के छोड़ के रख जाते हो, अगर आपका फोन डिस्कनेक्ट होता है चार्जिंग से, तो आपका फोन जो वो साउंड करने लग जाएगा कि कहीं आपका फोन चोरी तो नहीं हो गया। अगर कोई ईयरफोन आपके फोन से निकालता है तो वो भी आपका फोन जो थेफ्ट अलर्ट के ऊपर आ जाएगा कि कहीं आपका फोन चोरी तो नहीं हो गया। और ये फीचर इससे पहले मैंने किसी और फोन में नहीं देखे। ऐप लॉक का फीचर भी आप लोगों को सिस्टम UI के अंदर ही इंप्लीमेंट कर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक के जो फीचर हैं ये भी देखने को मिलते हैं, एंड इन सब की एक्यूरेसी काफी फास्ट है। इस फोन में अगर आपने किसी भी ऐप को अपडेट करना है तो उसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको सिंपली फोन की सेटिंग के अंदर जाना है, एंड अगर आप लोग ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको अलग से ऐप अपडेट का फीचर देखने को मिल जाएगा। जो भी नया ऐप का अपडेट आया होगा वो आपको यहां पर शो कर देगा, आप लोग सिस्टम ऐप्स को यहां से ही अपडेट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को यहां पर डिफॉल्ट ऐप का फीचर भी देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी ऐप डिफॉल्ट रखी है, फोन की ऐप कौन सी है, आपकी स्क्रीन की ऑप कौन सी है। साथ में स्क्रीन ऑन टाइम का फीचर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो कि किस ऐप को आपने कितना टाइम यूज किया, आपने अपने फोन को कितना अनलॉक किया एक पूरे दिन में। ये सब डाटा आप लोगों को ऐप मैनेजमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी डिजिटल वेलबींग एंड जो पर्सनल कंट्रोलिंग के फीचर है वो भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलते हैं, जो एक प्राइवेसी एंड यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए तो बैटरी सेवर की जरूरत तो बहुत ही कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बैटरी सेवर इस फोन में ऑन करना है या बैटरी को कंजप्ट होने से बचाना है तो सेटिंग के अंदर पावर मार्जिन का फीचर देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल भाषा में ये बैटरी का फीचर है। बैटरी बूस्ट का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अल्ट्रा पावर सेविंग का फीचर देखने को मिल जाएगा, बैटरी सेविंग की आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी एंड बैटरी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को AI स्मार्ट चार्ज का फीचर देखने को मिलता है कि आपका जो फोन है वो आधा AI की मदद से चार्ज होगा। यानी कि अगर आप लोग फोन को रात में लगा करके छोड़ देते हो तो सुबह उसी टाइम पर फोन जा करके चार्ज होगा जिस टाइम पर आप लोग अपने फोन को चार्जर से डिस्कनेक्ट करते हो। ये आपके चार्जिंग साइकिल को एकदम से पूरा देखेगा, उसके बाद ये सेट होता है। बाकी अगर आप लोगों को जो बैटरी सेवर है उसको यूज करना है, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को यूज करना है, तो आप लोग यहीं से कर सकते हो। और इनको यूज करने के बाद आपकी जो 6000 mAh की बैटरी है वो कम से कम 3 दिन निकाल देगी आराम से। इस फोन में अगर आप लोग YouTube यूज करते हो तो इसमें भी आपको एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा। मैंने कोई वीडियो यहां पर प्ले की, अगर आप लोग सिंपली यहां से बैक जेस्चर को होल्ड एंड टैप करके रखोगे फिर छोड़ना है तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो प्ले बैकग्राउंड में, यानी कि आप लोग YouTube वीडियो को लॉक स्क्रीन के ऊपर प्ले कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल करने का फीचर यानी कि स्लाइडर यहाँ पर ही देखने को मिल जाए, मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर प्ले की, फुल साउंड कर देता हूँ, फोन लॉक हो गया, अब वीडियो लॉक स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जो एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप लोगों को इन्फिनिक्स के इस फोन में भी देखने को मिलता है। बाकी इस फोन में अगर आपने स्मार्ट साइड बार को यूज करना है, फीचर्स तो स्पेशल सेक्शन में देखने को मिल जाएगा लेकिन यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप लोगों ने बैक जेस्चर को यहाँ पर होल्ड एंड टैप करके रखना है,
आप लोगों की जो यहाँ पर स्मार्ट पैनल है, स्मार्ट साइड बार है, वो ओपन हो जाएगी। सभी फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, साथ में वॉल्यूम कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी अगर आपने भी मेरी तरह इस फोन में जो एक्स्ट्रा बटन हैं इनको एनेबल करना है, यहीं से सभी शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, फोन को पावर ऑफ कर सकते हो, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे, फोन को लॉक कर सकते हो, और भी काफी सारे यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं। तो ये करना बहुत ही आसान है, सिंपली आप लोगों ने फोन की सेटिंग ऐप को फाइंड करना है, इसको ओपन करो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, स्पेशल फंक्शन ओपन करो, नीचे जाओ, एक्सेसिबिलिटी का फीचर मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाओ एंड इस फीचर को आप लोगों ने सिंपली यहां पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको ये जितने फीचर्स हैं शॉर्टकट के वो सभी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इस फोन के डेट एंड टाइम को चेंज करना है, अपडेट करना है, सिस्टम नेविगेशन को चेंज करना है, तो ये सब आपको एक ही सेक्शन में मिलेंगे। फोन की सेटिंग ओपन करो, सबसे लास्ट में सिस्टम का फीचर मिलेगा, यहाँ पर आप लोग डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, सिस्टम नेविगेशन चेंज कर सकते हो, फोन को अपडेट कर सकते हो। एंड इस टाइप पर इस फोन में XOS 13.1.0 यहाँ पर रन कर रहा है। बाकी अगर आप लोगों ने फोन को रीसेट करें तो फोन को रीसेट करने का फीचर भी आप लोगों को इसी सेक्शन में देखने को मिलेगा, जो सेटिंग में सबसे लास्ट में है। इस फोन में आप लोग दो ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, यूज करना बहुत ही आसान है। रीसेंट सेक्शन ओपन करो, जो भी ऐप ओपन करनी है उसके नाम के ऊपर सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग दो ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि एक साइड में मैं एक ऐप यूज कर रहा हूँ ऊपर, एंड नीचे अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब म्यूजिक कर दूँ तो ऊपर यूट्यूब ओपन है, नीचे यूट्यूब म्यूजिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से दो ऐप एक साथ। इसी के साथ अगर आपने किसी ऐप की मिनी विंडो इस फोन में यूज करनी है तो वो करना भी बहुत ही आसान है। रिसेंट सेक्शन ओपन करो, यहां पर नाम के आगे एक विंडो का फीचर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी ऐप की मिनी विंडो क्रिएट हो गई। अब अगर आपने इसको चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहां से आप लोग इसको रिसाइज भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, नीचे से पकड़ के आप लोग इसको रिसाइज भी कर सकते हो, जो मुझे काफी अच्छा फीचर लगा। बाकी अगर आप लोगों ने यहां पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो हो जाएगी, यहां से कट कर सकते हो, यहां से आप लोग इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर वापिस ला पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग मिनी विंडो इस फोन में क्रिएट कर सकते हो। इस फोन में आपको रैम एक्सपेंशन का फीचर भी देखने को मिलता है, यानी कि आप लोग अपने फोन की जो रैम है उसको बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ाने के लिए सिंपली आप लोगों ने जाना है फोन की सेटिंग्स के अंदर, सबसे ऊपर आप लोगों को माई फोन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, जो रैम आपको देखने को मिलती है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से आप लोग अपनी रैम को इंक्रीज कर सकते हो 8+, यानी मेरे फोन की रैम जो है उसकी 8GB है, प्लस 5GB हो जाएगी, यानी कि मेरे फोन की रैम 13GB हो गई। ये वर्चुअल रैम है जिसको आप लोग अपने हिसाब से 5GB 8GB तक बढ़ा सकते हो। 8GB करोगे तो 8+8 16 हो गई, एंड जब भी बढ़ाओगे तो आपका फोन जो है वो एक बार रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपकी फोन की रैम जो है वो जितनी आपने बढ़ाई होगी उतनी प्लस हो जाएगी। इस फोन में आपको ऑफिशियल जो इन्फिनिक्स का डायलर है वो देखने को मिलता है, तो आप लोगों को किसी नए डायलर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस डायलर से अगर आप लोग किसी को भी कॉल मिलाते हो तो आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना अनाउंसमेंट के, जो फीचर मोस्टली भाई हाई ब्रांड के फोन्स में भी अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस फोन में आपको देखने को मिलता है। फाइनली दोस्तों, ये थे इन्फिनिक्स हॉट 30 5G के हिडन फीचर, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ स्पेशल फंक्शन जो सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और बाकी इस फोन में जो भी नए अपडेट्स आएंगे उनके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वीडियोज भी इस फोन पर आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।